का मूलाबंद में कबड्डी टूर्नामेंट में न मास्क न सैनिटाइजर न सोशल डिस्टेंसिंग परमिशन देने वाले अधिकारी बने मूक बधिर। खुलेआम उड़ाए जा रही है प्रशासन के आदेशों की धज्जियां। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कराए जा रहे हैं कबड्डी का टूर्नामेंट। मूक बधिर बनी थाना डिलारी की पुलिस। पुलिस की देखरेख में कराया जा रहा है गांव मूलाबंद में कबड्डी का टूर्नामेंट का आयोजन। इस टूर्नामेंट में गखरपुर डिलारी पिलकपुर शिवराम तगाला मानपुर मंझोली ग्राम पंचायत ढकिया सहित अन्य स्थानों से टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे नगर पंचायत प्रत्याशी हनित चौधरी खुद भी बिना मास्क के नजर आए, जहां पर हजारों की संख्या में बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोग एकत्रित हुए। क्या नगर पंचायत प्रत्याशी को सरकार की गाइडलाइन का नहीं पता कोविड-19 के चलते किस तरह की गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है? यही नहीं पता ये चुनाव के दौरान होने वाली जनसभाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अब देखना है कि प्रशासन कार्यवाही करता है या अधिकारियों का पेट बिना मास्क मोटरसाइकिल चलाने वालों का चलान करके भर चुका है। ग्राम पंचायत महदूद कलनी से अनीप चौधरी। ये मूलाबंद के कुछ ही हमारे युवा साथी जितने भी हैं ये कबड्डी का प्रोग्राम कराया, इसके लिए इन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं यहाँ पर पहुँचा, पान के मैंने इनका सबके साथ और इनका हौसला बढ़ाया। कप्तान मासूम अली और मूलाबंद में प्रो कबड्डी का गेम चल रहा है। इस कबड्डी टीम में दो टीमें भिड़ी गखरपुर और मूलाबंद। प्रो कबड्डी में गखरपुर टीम हारती हुई, मूलाबंद 40 अंकों से जीतती हुई। गखरपुर मात्र अपने 19 अंक बना पाई और मूलाबंद मात्र 40 अंकों से जीती है। और इस प्रो कबड्डी का मैं कप्तान हूँ मूलाबंद से मासूम अली और गखरपुर की टीम से प्रो कबड्डी के कप्तान थे देवराज सिंह, जो अपनी 19 पॉइंटों से अपनी टीम को समेट चुके हैं, आउट हो चुके हैं और हम 40 अंक बनाकर अपनी टीम को जिता चुके हैं। ग्राम मूलाबंद पोस्ट ड्राइव कैसे चल रहा है? हम अपने गांव को जागरूकता और अपनी पहचान कराने के लिए करा रहे हैं। हमारे गांव बहुत पीछे है, इसलिए हम इसे ओपन और आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गांव में बहुत सी चीज़ें कमी है, इसलिए हम और गेम में भी हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कबड्डी करा रहे हैं। अभी तो दो टीमें खेली हैं, बाकी अभी 18-19 बाकी हैं। इसमें कितने 15 मिनट के राउंड होते हैं, जिसमें कि 3 राउंड होते हैं। 15 मिनट का एक राउंड होता है, उसमें 2 मिनट का रेस्ट किया जाता है। उस संबंध में वार्ता करना आए हैं कि क्या समय है, क्या प्रदर्शन रहेगा सर? किसको किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन को लेकर। प्राइवेटाइजेशन को मतलब गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, निजीकरण के लिए।